हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर एट ऑफ क्लास ट्वेल्थ दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज सो बिफोर वी प्रोसीड दिस वीडियो लेटेस्ट फर्स्ट रिवाइज वॉट वी हैव रीड इन द प्रीवियस इन द प्रिियस हैलर्जी तो क्या होती है एलर्जी इट इज़ एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आर इम्यून सिस्टम जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है जो एंटीजन हमें एलर्जी प्रोड्यूस करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं एलर्जेंस यानी कि एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस को हम एलर्जेंस बोलते हैं जब भी एलर्जी होती है तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है सिस्टम है वो कोई ना कोई तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और उस टाइम पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती हैं आईजीई ई टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सिम्टम्स हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग वाटरी आइज रनिंग नोज एंड स्नीजिंग ये एलर्जी होती किसकी वजह से है हमारी बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल होती हैं वहाँ से हिस्टामाइन और जो सेरोटनिन है वो रिलीज़ होने लगता है इसी की वजह से ये सारे सिम्टम्स कॉज होते हैं तो एलर्जी को ठीक करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ में आ सकते हैं वो हैं एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉयड ड्रग्स इसके अलावा फिर हमने ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था फिर हमने उसके बाद में पढ़ा है ऑटो इम्यूनिटी के बारे में तो क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी वो हम देखते हैं तो हमने अभी जब इम्यून सिस्टम की बात करी थी तो दो टाइप की इम्यून सिस्टम थी एक तो थी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी थी अक्वायर्ड इम्यूनिटी तो जो अकवायर्ड इम्यूनिटी थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मेमोरी सेल्स की जनरेशन और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये क्या करती हैं ये फर्दर कोई भी जब एंटीजन वगैरह आता है तो उसके खिलाफ में ये मेमोरी सेल्स को जनरेट करवा लेती हैं ताकि अगली बार उसके अगेंस्ट में और अच्छे से फाइटअप कर सकें इसके साथ साथ जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक भी थी और वो ये थी कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफ्रेंश कर पाती है तो पर बहुत सारे ऐसे केसेस में ये भी होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो जो खुद की यानी कि जो सेल्फ सेल्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करने लगते हैं इसी टाइप के डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी एग्जाम्पल क्या है इसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस अब हम आगे अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो है इम्यून सिस्टम ऑफ आर बॉडी द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स टिश्यूज सेल्स एंड सोल्यूबल मोलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं टिशूज हैं सेल्स हैं और कुछ एंटीबॉडीज़ हैं एज यू हैव रीड द इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन देंस दैट इट रिकगनाइज फॉरन इंटीजें रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर दैम तो हम ऑलरेडी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं हमारे इम्यून सिस्टम की जो कि बहुत यूनिक है और वो ये है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाती है और उनके ऊपर अटैक करती है और इसके साथ साथ उनको याद भी रखती है यानी कि मेमोरी सेल्स को भी जनरेट करती है द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन और इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एलर्जी के केस में भी बहुत इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है आई जो एंटीबॉडी है वो सिक्रीट होती है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के बारे में भी उनका बहुत इम्पॉटेंट रोल है और इसके अलावा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सी एम आई दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और इसमें कौन सा टाइप के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं तो वो हैं टी लिम्फोसाइट्स अब हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गेन्स के बारे में दीज आर दी ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैचोरेशन एंड प्रोलीफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गेन हैं ये कुछ ऐसे ऑर्गेन होते हैं जहाँ पर जो लिम्फोसाइट हैं यानि कि जो बी ओ टी लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं यानी कि वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं मैचोर होती हैं और उसके बाद में जो उनका जो प्रोलिफ्रेशन होगा यानी कि उनका जो इंटरेक्शन होगा या उनका जो ट्रांसफर होगा वो होगा तो वो कहाँ से होता है इन्हीं लिम्फॉइड ऑर्गन से होता है द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इन द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स तो ये जो लिम्फॉयड ऑर्गन हैं ये बेसिकली दो होते हैं एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो जो प्राइमरी लिफॉइड ऑर्गन है उसके अंदर दो और चीज़ें आती हैं कौन कौन सी आती हैं दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस यहाँ पे होता क्या है कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं यानी कि जो अभी अभी प्रोड्यूस हुई जो एंटीबॉडीज हैं या फिर जो लिम्फोसाइट हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ काम करने के लिए वो यहाँ पे डिफ्रेंश होती हैं आफ्टर मैचोरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फर्ड ऑर्गन लाइक स्प्लिन लिम्फ नोड टॉन्स पेयर्स पैच ऑफ़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेन्डिक्स तो अभी तो क्या हुई वो ये यहाँ पे मेच्योर हुई हैं किसके अंदर प्राइमरी ऑर्गेन के अंदर पर जब ये अच्छे से मेच्योर हो जाएंगी तो ये जो लिम्फोसाइट हैं ये माइग्रेट कर जाएंगी कहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन के अंदर और सेकेंड्री लिम्फॉयड ऑर्गन कौन कौन से हैं स्पलिन लिम्फ नोड टेंसलैच जो कि स्मॉल में होते हैं और इसके अलावा एपेंडिक्स भी द सेकेंडरी लिम्फर्ड ऑर्गन प्रोवाइड दाइट फॉर इंटरक्शन ऑफ लिम्फसाइट्स विद दीजन विच देन प्रोलिफ्रेट टू बिकम द इफेक्टर सेल अब ये जो सेकेंडरी लिम्फर्ड ऑर्गेंस हैं यहाँ पे आ चुकी हैं जो मेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करेंगे ऐसी साइट यानी कि ऐसी जगह प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट हैं और जो एंटीजन हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगे क्योंकि वो जो लिम्फोसाइट हैं वो किसी एंटीजन के लिए ही बनी हैं, विच इन टर्न देन फ्रॉलीफ्री टू बिकेम द इफेक्टर सेल और जब ये लिम्फोसाइट उस एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेंगी तो वो किस चीज़ के अंदर प्रोलिफ्रेट हो जाएंगी यानी कि मॉडिफाई हो जाएंगी इफेक्टर सेल्स के अंदर यानी कि वो उस एक पर्टिकुलर इंटीजन के अगेंस्ट में ही काम करेंगी लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फाइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर एट पॉइंट फाइव तो जो डायग्राम है एट पॉइंट फाइव उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो लिम्फर्ड ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन बताई हुई है फॉर एग्जाम्पल जो लिम्फ नोड है जो थाइमस है लिम्फ वो बॉडी में कहा सिचुएटेड है वो लोकेशन यहाँ बताई हुई है द नेक्स्ट इज द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गेन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड तो जो बोन मैरो है वो क्या है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गेन है बोन मैरो किसका पार्ट है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन का पार्ट है और यहाँ पे जितने भी जो ब्लड सेल्स हैं और जो लिम्फोसाइट हैं वो प्रोड्यूस होती हैं यानी कि जितने भी ब्लड की सेल्स होंगी वो प्लस जितने भी जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो सारे के सारे यहीं ऑरिजिनेट होंगे द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन नियर द हर्ट एंड बेंथ द ब्रेस्ट बोन जो दूसरा लैम्फॉइड ऑर्गन है वो है थाइमस थाइमस क्या है एक लोब्ड ऑर्गन है और ये कहाँ सिचुएटेड है हर्ट के पास में और जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे सिचुएटेड है द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूजिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूज टू वेरी स्मॉल साइज तो ये जो थाइमस है जब किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस टाइम पर थाइमस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है पर जैसे जैसे वो चाइल्ड की ग्रोथ होती जाती है और जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुँचता है चाइल्ड तब तक जो थाइमस का साइज है वो बहुत छोटा हो चुका होता है यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि विच ऑर्गेन इज बिगर इन साइज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट रेड्यूज विद द एज तो उसका सही आंसर क्या होगा थाइमस बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट तो ये जो बोन मैरो और ये जो थाइमस दोनों ही प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं और ये दोनों क्या प्रोवाइड करवाते हैं ऐसा माइक्रो एनवायरमेंट यानी कि ऐसा सूटेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट हैं वो डेवलप भी हो सकें और मेच्योर भी हो सकें यानी कि जो प्राइमरी लिफॉइड ऑर्गेन हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिनेशन और डेवलपमेंट होता है मेचोरेशन होता है पर वहां पर एंटीजें के साथ इंटरक्शन नहीं होता है लिम्फोसाइड्स का वो इंटरक्शन कहाँ पे होगा सेकेंडरी लिम्फॉर्ड ऑर्गन के अंदर होगा द स्पलिन इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गेन तो ये अब आती है स्प्लिन और ये क्या है सेकेंडरी लिम्फॉर्ड ऑर्गेन है कैसा स्ट्रक्चर है बीन के जैसा स्ट्रक्चर है ये इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स तो ये जो स्प्लिन है इसके पास क्या क्या होगा लिम्फोसाइट होंगे और फेगोसाइट्स होंगे फेगोसाइट्स को हम इनगल्फिंग सेल्स भी बोलते हैं इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाई ट्रैपिंग द ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गैनिजम्स और ये जो स्प्लिन है ये क्या करती है फिल्टर का काम करेगी यानी कि ब्लड को फिल्टर करेगी और किन चीजों को पकड़ेगी फिल्टर करने के बाद ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि ब्लड के अंदर बॉर्न होते हैं तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो स्प्लिन है वो ट्रैप कर लेगी द स्प्लिन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरेथ्रोसाइड्स इसके अलावा जो स्प्लिन है उसके पास क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट्स का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है ये द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम तो हमने एक ऑर्गन की तो बात कर ली दैट वॉज स्प्लिन अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं दैट इज लिम्फ नोड लिम्फ नोड क्या है एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह मौजूद हैं द लिम्फ नोड सर्व्स टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और अदर इंटीजेंट्स विच हैपन्स टू गेट इन टू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूड तो ये जो लिम्फ नोड है ये भी क्या करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो कुछ इंटीजेंट्स हैं जो कि लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूड के अंदर आ गए हैं उनको ट्रैप करने का यानी कि उनको पकड़ने का काम होता है लिम्फ नोड का दी इंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स और ये जो लिम्फ नोड के अंदर ये जो पकड़े गए हैं इंटीजेंस ये फिर इन्हीं की वजह से क्या होगा कि वो जो लिम्फोसाइड्स हो के आई थी यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उनके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्रिएट होगा देयर इज लिम्फॉइड टिश्यूज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट दैट इज रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजनाइटल ट्रैक्ट कॉल्ड द म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉयड टिश्यूज़ तो जो कुछ लिम्फॉयड टिश्यूज़ हैं वो जो मेन मेन जो लाइनिंग होंगी कुछ ट्रैक्ट की जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो यूरोजिनाइटल ट्रैक्ट हैं उनकी लाइनिंग्स में भी ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होंगे और इस टाइप के लिम्फॉइड टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं माल्ट माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% परसेंट ऑफ द लिम्फॉयड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी और ये जो माल्ट है ये लगभग पचास परसेंट टिश्यूज़ का पार्ट है यानी कि मतलब जितने भी लिम्फॉय टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें से 50 परसेंट क्या है माल्ट है यानी कि जो म्यूकोजा वाली लाइनिंग होगी वहाँ पे कुछ लिम्फॉय टिश्यूज प्रेजेंट होंगे तो एक बार हम लोग अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा है इम्यून सिस्टम के बारे में और उसमें भी पर्टिकुलरली लिफोइड ऑर्गन के बारे में तो लिफोइड ऑर्गन कितने हैं दो पहला है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं वो कितने हैं दो हैं दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस, जो बोन मैरो है वहाँ पे क्या होता है जितनी भी जो ब्लड सेल होंगी और जो लिम्फोइड होंगे वो यहाँ प्रोड्यूस होंगे जो दूसरी है वो है थाइमस। थाइमस क्या है एक लॉब्ड ऑर्गन है जो कि हमारे हर्ट के पास में और ब्रेस्ट बोन के नीचे मौजूद होता है ये जब बर्थ होता है चाइल्ड का तो उस टाइम पे इसका साइज कैसा होता है काफ़ी बड़ा होता है पर ये एज के साथ धीरे धीरे रिड्यूज होने लगता है ये दोनों ही यानी कि बोन एंड थाइमस ऐसा माइक्रो एनवायरमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं जिसके अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो डेवलप भी हो सकती हैं और मेचोरेशन भी इनका हो सकता है जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन हैं वहाँ पे लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट भी होती हैं और मैचोर भी होती हैं और उसके बाद कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे मैचोरेशन के बाद में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेंस हैं वो चार हैं पहला है स्प्लिन दूसरा है लिम्फनोड तीसरा है टॉन्सल्स और चौथा है पेयर्स पैच ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं ये ऐसी साइट प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे लिफॉइड्स का एंटीजन के साथ इंटर होता है अब हम बात करेंगे स्प्लिन के बारे में तो स्प्लिन क्या है एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसके पास क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं स्प्लिन करता क्या है ब्लड को फिल्टर करता है और उसके अंदर जितने भी जो ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गैनिज्म हैं उनको पकड़ लेता है इसके अलावा जो स्प्लिन है वो एरेथ्रोसाइट्स का भी रिजर्वायर है फिर आता है लिम्फ नोड लिम्फ नोड कहाँ लोकेटेड होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स पर ये लोकेटेड होते हैं ये भी जो माइक्रो ऑर्गैनिजम्स या फिर जो इंटीजेंस हैं उनको ट्रैप करते हैं जो कि लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूड के अंदर मौजूद होंगे जो भी इंटीजेंट्स यहाँ पे पकड़े जाते हैं लिम्फ नोड के अंदर वो क्या करवाते हैं फर्दर जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करवाएंगे और इन्हीं की वजह से क्या होगा इम्यून रिस्पॉन्स होता है फिर आता है माल्ट माल्ट इज म्यूकोजा असोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गेन या फिर टिश्यू ये करता क्या है ये जितने भी जो मेजर लाइनिंग्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या फिर जो यूरोजिनाइट ट्रैक्ट है उसके लाइनिंग के ऊपर ये मौजूद होते हैं और जो टोटल इम्फॉर्ड टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके पचास परसेंट ये माल्ट प्रेजेंट होते हैं